अयोध्या और वहां पर एक हेलीकॉप्टर के जरिए भव्य लैंडिंग होगी जय श्री राम और उसी के साथ लक्ष्मण और सीता जी की भी फोन लिए चलेंगे आपको देखते रहिए आज तक। और ये देखिए तस्वीरें अब आ भी रही हैं, ये वो चॉपर जिसके जरिए माना जा रहा है कि वहां पर आगमन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त सीधे अयोध्या की देख रहे हैं और ये देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं, पर्यटन मंत्री रीटा बहुगुणा जोशी भी उनके साथ हैं और इन सब के बीच एक भव्य छोटी दिवाली की तैयारी है। माना जा रहा है कि छोटी दिवाली लेकिन बड़ा पटाखा, पटाखा तो नहीं बड़ा पैकेज हो सकता है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अयोध्या में अलग ही रंग भरते हुए इसी हेलीकॉप्टर से श्री राम सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार वहां पर उतर गए हैं और माना जाता है कि इसी पूजा के साथ इस छोटी दिवाली का भव्य शुरुआत अब आप देख रहे हैं। भारी हुजूम वहां पर मीडिया का और अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक अगर आप भी ये तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां स्वागत करते हुए जय श्री राम और तमाम नारों के बीच योगी आदित्यनाथ भूमिका निभाने वाले कलाकारों का। अभिषेक अभिषेक के साथ बातचीत करेंगे लेकिन आप देख रहे हैं श्री राम सीता और लक्ष्मण तीनों की ही भूमिका निभाने वाले कलाकारों के स्वागत के साथ ही योगी आदित्यनाथ इस भव्य छोटी दिवाली का आरंभ करते हुए अयोध्या नगरी में आज अलग ही रंग अलग ही रूप दिखाई दे रहे हैं। रीटा बहुगुणा जोशी पर्यटन मंत्री हैं, वो भी वहां पर आगे बढ़कर सीता का स्वागत करती हुई और इन्हीं के साथ शायद इस युग में ऐसी दिवाली नहीं देखी होगी अयोध्या ने। इसको सियासत से जोड़िए राजनीति से जोड़िए लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से एक पहल अयोध्या को वही मान सम्मान दिलाने की जिसकी वो बात करते रहे हैं। इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ये महत्वपूर्ण है शायद वहां मौजूद लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए तीनों कलाकारों को आगे लाया गया और फिर यहां पर मुख्यमंत्री लक्ष्मण का भी स्वागत करते हुए राम राज्य और राम नीति लेकिन जिस नीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसकी तस्वीर लगभग इन तस्वीरों में कैद हो जाती है। उप मुख्यमंत्री आप दिनेश शर्मा को भी वहां पर देख रहे हैं सभी मौजूद यानी सरकार की तरफ से न सिर्फ खुद मुख्यमंत्री बल्कि अब आप गवर्नर को भी वहां पर देख रहे हैं सभी लोग मौजूद यानी सरकार के तमाम भारी स्तंभ आज अयोध्या में मौजूद और इसी के साथ ये भव्य आयोजन जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ ही देर पहले वहां पर राम सीता और लक्ष्मण जब हेलीकॉप्टर से उतरे थे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल मंचन एक बार फिर से उस अंदाज में जैसे पुष्पक विमान से वापस लौटे हों तो आज हेलीकॉप्टर से उतरे। अब सर्वानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ आ गए हैं, जल्दी से आइए आप क्योंकि आप हमें बताएंगे कि क्या इसका पौराणिक महत्व है, अयोध्या ने शायद इस युग में अभी तक इस तरह की दिवाली नहीं देखी है। श्री राम एक बार फिर से सबकी नजरों में और इसी के सिरे से अपने नए अंदाज से सियासत को आगे ले जा रही है। सर्वानंद सरस्वती जी तस्वीरें देखिए ये और यहां पर योगी आदित्यनाथ राम सीता और लक्ष्मण का स्वागत कर रहे हैं, किस नजरों से देखे इसे देश, क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या बताएंगे? अंजना जी, दीपावली का बहुत ही पौराणिक महत्व है और अब ये योगी जी के कारण ऐतिहासिक भी हो जाएगा। हाँ। जो अयोध्या आज तक उपेक्षित पड़ी हुई थी, ना तो सरयू का कुछ उद्धार हो रहा था, ना घाटों का, जो मंदिर थे उनमें ना रौनक थी, ना उसकी लाइट जल रही थी, ना कुछ और हो रहा था, तो योगी जी ने एक चमत्कारी काम एक किया, क्रांतिकारी काम किया कि अयोध्या की गलियों में रोशनी कर दी, अयोध्या को एक ऐसा साफ सुथरा शहर बना दिया
इतना अच्छा, तो जिससे कि मैं समझता हूँ पौराणिक महत्व पे जाऊंगा, लेकिन वर्तमान समय में इतिहास ये कह रहा है कि इस तरह से हमारी पुरानी धरोहरों को अगर ठीक कर दिया जाए, ऐसी दीपावली सब जगह मनाई जाए तो बहुत आप अच्छा। गदगद लग रहे हैं आज। मैं गदगद जिंदगी आपको लगता है पूरा अयोध्या में लोगों में यही होगा इस वक्त। अंजना आज रूप चतुर्दशी है और उस छोटी दीपा जिसको आप लोग छोटी दीपावली कहते हैं, अगर हमारे हम देखते ना जहाँ कलई पुताई ये सब पूरे शहरों का रूप बदल जाता, तो अयोध्या का रूप बदला तो मुझे तो ये लगा कि वाह वाह वाह, तीर्थों का रूप बदल रहा तो बहुत अच्छी बात है। आलोक जी इस नजर से देखा जाएगा इसको। देखा जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि शायद तिवारी जी भी इससे सहमत होंगे कि एक समय में नरसिंह राव ने वहाँ पर 67 एकड़ जमीन इसी बात के लिए दिया था, तो ये बहुत पहले यदि इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, मैं नरसिंह राव क्रेडिट न दीजिए, नरसिंह राव इसके लिए भी बदनाम है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरने दिया, वो अलग बात है, मैं उस बात में नहीं जा रहा, लेकिन ये सही है कि जिस तरह से पहले से योजना थी दोनों मिलके काम करते तो अयोध्या का कल्याण हो गया। आलोक जी लेकिन जब दिखा नहीं तो नहीं, क्या तो ये काम बीजेपी की सरकार पहले भी आई, बीजेपी की सरकार करने से क्या होगा? राव साहब के साथ तो बीजेपी मिली थी, विश्व हिंदू परिषद मिला हुआ था, तब से यदि योजना शुरू होती तो आज अयोध्या का जैसा स्वामी जी कह रहे हैं बहुत कुछ कल्याण हो गया होता। राजनीति का स्वामी जी मैं चाहूंगी कि एक बार आप ये तस्वीरें देखें और जरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है लोग जुड़ रहे होंगे क्योंकि जो दिवाली की तैयारी कर रहे हैं आज की। बहुत अच्छा जी। देखिए जब हम राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और रावण को समाप्त कर दिया, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने उस लंका को अपने उसमें नहीं लिया, उन्हीं के भाई को विभीषण को सौंप दिया, और सौंपने के बाद ये एक विज्ञ पुरुष का, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक बहुत बड़ा काम है। फिर वहां से जब वो चले तो अपने साथ में देखें अपने भाई सबसे मिलने, भरत उनकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो वो पौराणिक महत्व इस समय आदित्य योगी ने दोहरा दिया कि हमारे कल्चर में हमारे संस्कार में भाई भाई की पूजा करें, और तो निश्चित है भारतीय संस्कृति का जितना उत्थान हो सकता है, एक भाई खड़ा हुआ है और वो कहता है कि मैंने तो 14 वर्ष तक केवल आपके लिए ही काम किया है, तो अब आप देखें कि अयोध्या का अगर ये मंचन जो हो रहा है, पुष्पक विमान से भगवान आ रहे हैं और उनका योगी जी उनको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, तो ये सब ये है कि जो आज रामलीला आप देखते हैं, राम का इतिहास देखते हैं, तो आज के बच्चों पर यहाँ तक नहीं विश्व में आपको मालूम होना चाहिए, विश्व की सब, मैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, वहाँ बच्चे स्टैनफर्ड में कहाँ वहाँ पूछते हैं कि राम तो ये इसके बारे में आज तक नहीं, ये मुहिम करके दुनिया भर को मैसेज दिया कि भारतीय संस्कृति में जो त्रेता युग में हुआ वो कलयुग में इस समय आदित्य योगी कर रहे हैं। मुझे तो ये बीजेपी और पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बीजेपी और पॉलिटिकल और सियासत से लेना देना नहीं है, सरकार का ही खर्च हो रहा है, पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, नहीं लगाया उसमें। अरे महंत के पास पैसे ही नहीं, क्यों नहीं, महंत अरबों रुपया है ना महंत के, अरे उनका जो गोरखनाथ चलिए क्या है उसमें। आलोक जी आपका ये सवाल भी उठाएंगे, आलोक जी आपका ये सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन अगर खाका तैयार किया जाए कि कौन सी सरकारों ने किस किस पर्व पर कितना कितना खर्च किया तो तस्वीर सबकी क्या बनती है ये भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि बराबरी से नजर चारों तरफ रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच आपको लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं। राजेश अभिषेक की हमने तस्वीरें देखी, कई स्वरूप में देखें अभिषेक, तो सरकार ये कोशिश पूरी कर रही है कि हम इसको सत्य और इसी के साथ श्री राम की विजय में अपनी जीत की तस्वीर भी चस्पा कर दे, क्योंकि रावण को हराने के बाद पुष्पक विमान से श्री राम लक्ष्मण और सीता पहुंचे थे, और ये सरकार अपनी जीत के साथ अयोध्या वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत सुंदर पूरी रामायण। बिल्कुल अंजना, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या को केंद्र में रख करके ये पूरी तैयारी की गई। अभिषेक आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए, आप बोलिए। अंजना देखिए, कहीं ना कहीं अयोध्या को केंद्र में रखकर ये पूरी तैयारी की गई है। इसके कई मायने हैं, एक मायने तो जरूर है कि ये पर्यटन के लिहाज से ये ताजमहल आगरा से बड़ा हो जाए,
मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, इस योगी की ये मंशा जरूर है। लेकिन एक और पक्ष है यहाँ पर अंजना, जो कि इस पूरे इस भव्य आयोजन से हमें दिखता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है, राम मंदिर का मामला है, उसे भी पूरी तरीके से केंद्र में लाने की कोशिश है। जिस वक्त हमारी आपसे बात हो रही है, कई ऐसे लोग हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसे योगी की कार सेवा कहिए, यानी कि अयोध्या में जो ये चीजें जो हम आज देख रहे हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिहाज से, या फिर एक बड़ी दिवाली के लिहाज से, या सिर्फ और सिर्फ 14 सालों का बीजेपी का बनवास खत्म हुआ है उस लिहाज से हम इसे नहीं देख सकते। इसे 2019 के भी आईने में देखना पड़ेगा, और इसे कह ये सकते हैं कि जो मंदिर को लेकर के जो एक चर्चा चल रही है, मंदिर को लेकर के जो एक बात चल रही है, कहीं ना कहीं बैक रूम कह सकते हैं, कुछ चर्चा जरूर चल रही है, उसे भी केंद्र में लाने की ये जरूर कोशिश दिखाई देती है। क्योंकि बीती शाम जब हम यहाँ पर जो मंदिर के पक्षकार थे, यानी कि जो रामलला के पक्ष के लोग हैं, इसके अलावा जो बाबरी जो दूसरे लोग हैं जो कि बाबरी मस्जिद की तरफ से जो पक्षकार हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही थी, उनका मानना ये था कि ये भव्य आयोजन से कहीं जरूरी है कि इस चीज को हल किया जाए। और ऐसी चीजें, ये जो दिवाली है, ये अगर मंदिर के बनने के बाद बने तो शायद इसका बड़ा महत्व होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे पहले चर्चा में ला रहे हैं, अयोध्या को बिल्कुल केंद्र में रख करके मुझे लगता है अगले एक दो साल की जो राजनीति है, 2000 की राजनीति है, उसे जरूर साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, तो सामने आईना जो भी रख लीजिए, जाकी जो भावना वही दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल है। एक तरफ बीजेपी बड़ी स्पष्ट है, उसे पता है कि बहुसंख्यक के साथ जुड़कर वो अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाहती है, और इसमें वो कोई पर्दा नहीं डालते हैं। पर्दा वो डालते थे जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में परवान चढ़ाते थे, लेकिन उसको खुले में स्वीकारते भी नहीं थे। सवाल नंबर दो, अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये खुद योगी ने बीते दिन कहा है। लेकिन इस रंग रूप और इस कलेवर के साथ जो रंग डालने की कोशिश हो रही है वो ये कि हिंदुत्व की राजनीति में योगी के साथ जो नए आयाम डाले गए हैं, उन सब को हम खिलते हुए देख रहे हैं आज छोटी दीपावली पर अयोध्या में। ये तस्वीर देखिए, इससे ज्यादा शायद कुछ ना बोलने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है। बीजेपी का एजेंडा ना छिपा हुआ है, ना बीजेपी का एजेंडा कहीं पर ढका जा रहा है। आलोक जी, तस्वीर में आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? एक राज्यपाल 3 कलाकारों की आरती उतार रहे हैं, इनको पुष्पक विमान दिखाई दे रहा है, आप योगीमय है, आपको योगी जी भरत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, आपके रिपोर्टर ये नहीं बता पा रहे कि पिछले 6 महीने में योगी जी ने क्या किया। एक हुजूम क्रिएट होता है। योगी भरत बन आपके इस पर चल रहा है, आपकी भाषा नहीं समझते। चलिए ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। आपने न्यूज को नकार दिया, आप इस आस्था को कह रहे हैं कि ये कलाकार है और कलाकार के रूप में देखा जाना चाहिए। कलाकार की आरती पूरा मंत्रिमंडल उतार रहा है, ये तो आपके मुख्यमंत्री भी करते होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं इस चीज पर चर्चा ही नहीं हो रही है। अयोध्या में किया क्या है, आप ये नहीं बता पाते कि अयोध्या में किया क्या है 6 महीने में, क्या वो सवाल जरूरी नहीं है? ये आरती तो आपके मुख्यमंत्री भी उतारते होंगे, जरा सोच समझ कर बोलिए। क्योंकि पौधे लगाए, गिनीज बुक का रिकॉर्ड हमारे नाम पे, हमने 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में पौधे लगाए, आप बताइए किस मुख्यमंत्री ने बनाए। एक और रिकॉर्ड है जो योगी जी के और मोदी जी के नाम पे, जब करोड़ लगाए मोदी जी और योगी जी के नाम पर है, जो कि इस देश हमारा देश बेरोजगारों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए सैफई में आप स्कूल देखिए, सैफई में आप हॉस्पिटल देखिए, हमने जो बनाया आपके सामने है, उन्होंने बनाया नहीं, जो उन्होंने बनाया नहीं, अयोध्या में क्यों नहीं बनाया? हम सरकार में थे, जो हमारा काम था सबके सामने, हमारी सरकार में बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मरे नहीं थे। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन असल सवाल से भागते हैं, ये आपकी कमजोरी है। देखिए मैं किसी के महिमा मंडन को, सैफई और अयोध्या में क्यों फर्क किया समझा दीजिए। सैफई है, अयोध्या अयोध्या है, ये सवाल बेतुका है और किसी एक पार्टी की तरफदारी का सवाल है, साधारण सा सवाल है। सैफई एक शहर है, अयोध्या एक शहर है, अयोध्या पावन नगरी है, सैफई पावन नगरी नहीं है। अयोध्या में राजनीति अरे भैया, आज जो हो रहा है रामलीला में, अगर जाके आप अपना रावण लीला बोलेंगे तो कैसे हो गया रावण लीला? ये भाषा आप क्यों बोलते हैं? ये बोल रहे राम हमारे आराध्य है, ये भाषा कौन बोल रहा है? राम राम 3 कलाकारों की आरती उतार रहा है, और आपने कहा हमने अयोध्या की तस्वीर बदल दी। अयोध्या स्वच्छ भारत अभियान में अयोध्या 275वें नंबर पे है, यही बीमारी
इसमें ना बनते हैं, जिस जगह को आप पावन मानते हैं, जिसके आधार पर आप सरकार बनाते हैं, उसको बेहतर भी बना सकते हैं। आप छह महीने बना नहीं सकते, आपने एक सड़क बनाई है, एक पानी की व्यवस्था। सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी, ये बेसिक है विज्ञान का। आप सबको मैं रोक रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं ये तस्वीरें जरा आज दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के साथ योगी श्री राम, सीता और लक्ष्मण का राज्यभिषेक करते हुए। आपको बताएं, फैजाबाद एयर स्ट्रिप से दरअसल एक हेलीकॉप्टर में ये सभी कलाकार, जिसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, शत्रुघ्न, सभी वहां से आए और फिर वो राम कथा स्थल पहुंचे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उनका राज्यभिषेक कर रहे हैं। इसे प्रतीकात्मक ही माना जाता है, लेकिन लोगों की आस्था इसमें जुड़ी होती है। राज्यपाल राम नाईक से लेकर तमाम मंत्री वहां पर, महेश शर्मा के जे अल्फांस बताया जा रहा है, दो तो वहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचने वाले थे। तस्वीरें धीरे धीरे आएंगी, कौन कहां पर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश मौर्य दोनों वहां पर मौजूद हैं। रीटा बहुगुणा जोशी, जब ये कलाकार वहां पर पहुंचे थे, राम, सीता और लक्ष्मण, तब की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इसी हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान के रूप में आज दिखाने की कोशिश थी। सरकार ने अपनी तरफ से अयोध्या पर सारे कैमरा केंद्रित हो जाएं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सवाल यही है जो मुकेश नायक जी मैं आपसे भी पूछूंगी और घनश्याम जी से भी पूछूंगी। बड़ा आसान है, कई बार लगता है कि एक पत्रकार के रूप में आपको हमेशा आजकल तमाम आरोपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो तस्वीरें आस्था से जुड़ी हुई उसको कला आयोजन किया गया है। आपको इस वक्त मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री महोदय, राज्यपाल माननीय डॉक्टर श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी से राम नाईक दिख रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी अभी वहां पर मौजूद, लोगों को संबोधित करेंगी। कई संत बताया जा रहा है, कई लोकल लोग जो वहां के मौजूद हैं, स्थानीय लोग सभी इसमें मौजूद हैं और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दो तस्वीरें दरअसल आपको दिखाते हैं, ये समारोह भी लगातार दिखाते रहेंगे। और जो वहां पर कुछ ही देर पहले हमने देखा, राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर पहुंचे, उनका राज्याभिषेक मुख्यमंत्री ने किया। ये तस्वीरें देखिए, अब एक एक करके वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, राम नायक और सभी लोग, अध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या। तो चलिए, सरकार एक पक्ष के साथ तो अलग से खड़ी दिखाई दे ही रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनका स्वागत करते हुए और कैलेंडर के माध्यम से मुख्यमंत्री, आप सब तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम इन संतों के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। मंच पर आसीन समस्त संतों का अभिनंदन, वंदन और पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अभूतपूर्व नजारा। योगी योगियों का सम्मान कर रहा है, एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, राम राज्य आने को है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये संत कांग्रेस हेडक्वार्टर से थोड़ी आएगी सर, परम पूजनीय है। जीवन का मर्म, जीवन का अर्थ, जीवन का सत्य आपने देखा कुछ ही देर पहले, महंत रूप से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मंच पर आपने देखा कुछ ही देर पहले महंत नृत्य गोपाल दास का स्वागत करते हुए, जो कि अध्यक्ष है राम जन्मभूमि श्राइन बोर्ड के, उनका स्वागत कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे ही तमाम महंतों का स्वागत करते हुए, संतों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मंच पर, अभी शुरुआत हुई है कुछ ही देर में। इस मंच से आज क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, महत्वपूर्ण होगा।
फौरन लौट रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर यह विशेष कवरेज, योगी की रामलीला और रामलीला की तस्वीरें सीधे अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटी दीपावली में भव्य आयोजन आज सरकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ 2 लाख दीपों के साथ आज सरयू तट पर दिवाली मनाएंगे। तो ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं कैसे पुष्पक विमान, जिसे माना गया हेलीकॉप्टर, उसके जरिए वहां पर आज राम सीता लक्ष्मण पहुंचे। और दूसरी तस्वीर राज्याभिषेक की, जहां पर तीनों के ही पहले माला से स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ, खुद राज्यपाल राम नाईक वहां पर मौजूद हैं, सभी मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री वहां पर सरकार के मौजूद हैं। फिर मंच पर राज्याभिषेक और उसके बाद दीपों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिवाली का ऐसा आयोजन यहां पर भव्य किया जा रहा है और मंच पे इस वक्त क्या हो रहा है हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी अयोध्या में नए सिरे से क्या जान फूंकने की एक कोशिश है राम मंदिर के मुद्दे को, ये साफ स्पष्ट सवाल, इसलिए क्योंकि अयोध्या के दिन सिर्फ एक छोटी दिवाली पर कुछ दियों के साथ नहीं फिरेंगे। अयोध्या को इंतजार है कि पर्यटन में बेहतरी हो और उस पर भी सरकार को फोकस करना होगा। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर लोगों का हुजूम, जो आज इस बात से खुश है कि चलिए अयोध्या की किसी को चिंता तो है। एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो अपने जन्मभूमि से आगे दूसरी जगह देखता हो, जो अपने पैतृक गांव से आगे बढ़कर राम की जन्मभूमि पर भी नजर रखता हो। इसके दोनों पहलू हैं और दोनों पहलुओं को सामने रखे बिना आगे नहीं जाया जा सकता है। इस कसौटी पर योगी आदित्यनाथ को खरा उतरना पड़ेगा कि अयोध्या सिर्फ छोटी दिवाली के रोज नहीं, हर दिन यहां की तस्वीर बदले उसके लिए वो क्या करेंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, जूही सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जुड़ गई हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं और स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो हमें पौराणिक महत्व इस पूरे मुद्दे का बता रहे हैं। दिवाली एक बार फिर से श्री राम का वहां पर सीता के साथ रावण को हराने के बाद लौटना और इन सब के बीच बीजेपी की सियासत का चमकना, क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये दिवाली, छोटी दिवाली आपको तो नहीं खटक रही योगी की, क्योंकि अयोध्या के लोग खुश हैं। अयोध्या के लोग खुश हैं, पूरे देश के लोग खुश हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नई रामायण लिखने पे लग गए हैं। राम तो कल आए थे, एक दिन पहले बुला लिया इन्होंने, क्योंकि अपने दिन अपने घर दिवाली मनानी है। इसी तो मैं कहता हूँ, ये राम के नहीं सुविधा के राम भक्त हैं, राम के नहीं सुविधा के भक्त, तो कहते कि सुविधा के राम भक्त हैं, सुविधा के राम भक्त हैं। जिस दिन दीपावली थी उस दिन राम आए थे। आज तो ये अपने सुविधा के अनुसार आज इन्होंने राम को बुला लिया। मंच पे सारे सरकारें बैठी हैं, रामचंद्र जी को दिख नहीं रहे, हेलीकॉप्टर से उतरते दिखे थे, उसके बाद उनको साइड में कर दिया, सत्ता पे ये बैठे पड़े हैं। आपने बताया भरत बन के स्वागत किया, तो भरत का तो अब गद्दी से हटना था और राम को गद्दी मिली थी, तो ये सब शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। हर राम रोम रोम में है, हर किसी के दिल में है, पूरे भारतवासियों के कणकण में, वो हमारे आराध्य हैं। राम ने जो मर्यादा स्थापित की उसका कोई एक उदाहरण बताया ना। जिस दिन से रामचंद्र जी पैदा हुए और जब तक उनका राज चला, सिर्फ उन्होंने उच्च आदर्श मर्यादाएं स्थापित की हैं। लेकिन बीजेपी एक भी राम का नाम देती है, क्योंकि वोट लेना है, उनके नामों का भावनात्मक रूप से हिंदुस्तान के लोगों को भुनाती है, उनके एक भी आचरण पे, एक भी मर्यादा पे चलती नहीं है। जवाब दीजिए, वनवास गए तिवारी जी, क्योंकि आज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब रामचंद्र जी का राज तिलक होना था और रात में शाम को ये हुआ कि नहीं भरत जी का होगा, राज तिलक टल गया, उसके पहले सारे सभासद महोदय अयोध्या वासी पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने रामचंद्र जी को राजा माना था। रामचरित मानस में नहीं, लेकिन
वाल्मीकि रामायण में तो आप अपनी सहूलियत से एक दिन पहले ही श्री राम को ले आए। अखिलेश जी कितना अच्छा हो। नहीं नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, लक्ष्मण ने कहा कि सारे लोग तो हमारे साथ हैं, हम ना माने राम की बात, दशरथ भरत जी की बात, माता की कह के की। राम ने कहा नहीं, ये आदर्श है हमारा, ये जुबान दी हुई है, रघुकुल रीत सदा चर्या प्राण जाए पर बचन जाई, पिता का जुबान दिया हुआ है उसे हमें पालन करना है, हमें चलना है। और फिर लक्ष्मण को उन्होंने समझाया, तो वो आदर्श थे। क्या किसी उन आदर्शों पे चल रही है बीजेपी? सिर्फ राम का नाम भुनाने से काम नहीं चलेगा। अखिलेश जी कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अयोध्या की दशा और दिशा की दिशा में बदलने का जो प्रयास हो रहा है उसकी आप प्रशंसा कर रहे होते। सारा देश आपकी बात मानने के लिए स्वीकार कर लेता। आप ये बताइए अखिलेश जी, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे। बोलिए, आप 10 सेकंड बोलूंगा, रुक जाइए, बोलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रुक जाइए। ये जितने दीपक घाटों पर दिख रहे हैं, जो घाटों की सुंदरता दिख रही है, ये कांग्रेस के बनाए घाट हैं, और हमने नाटक करके नहीं बनाए थे, हमारी श्रद्धा थी। ये जो दीपक शोभायमान हो रहे हैं उन घाटों पे सर झुके, ये दो बार आपकी यहां सरकार थी, अटल जी की दिल्ली में थी, आए भी थे, ये हमने बनाए हैं कांग्रेस ने, आपकी बनाई नहीं है। आज पहली बार 135 करोड़ का फूट डालना है। अखिलेश जी, मैं कांग्रेस की आस्था और अनास्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं कांग्रेस की आस्था और अनास्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। जब ये रामशिलाओं का पूजन हो रहा था तो उसमें देश के सारे हिंदू एक साथ खड़े होकर के, उसमें कांग्रेस का भी वोटर था, उसमें सभी पार्टियों के वोटर थे, इसलिए मैं आस्था और अनास्था की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अयोध्या में आज दिवाली मनाई जा रही है और हम आप बैठ कर रो रहे हैं यहाँ पर। यानी दिवाली एक तरफ अयोध्या में दिवाली और यहाँ बैठ कर रोना, ये तो कहीं ठीक नहीं लग रहा। यानी एक वहां की दशा और दिशा बदलने की कोशिश हो रही है। जूही सिंह जी, प्रशस्ति तो करिए आप, यानी आप किसी चीज की प्रशस्ति नहीं। जूही सिंह जी, यानी अयोध्या 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 भारत की राजधानी नहीं है, अयोध्या भारत की राजधानी नहीं है, वो प्राचीन काल में ही सही, उसका सौंदर्यीकरण तो होना चाहिए। अगर यही तिथि वार नक्षत्र कोई और बदलता तो आप उसे हिंदू द्रोही बताते, जो आज आप एक दिन पहले कर दे रहे हैं। यही कृत्य कोई और कर देता तो आप कहते ये देखो हमारे त्योहारों का मुहूर्त भी बदल रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कहते आप। ठीक है, आपको तारीख से प्रॉब्लम है, कल करना चाहिए था, ये आपका कहना है। चलिए जूही जी, अरे सर यूपी को ये साथ पसंद है, बगल में जूही जी बैठी है, उनको भी बोलने दीजिए। हमें तारीख नहीं, तारीख बड़ी चीज नहीं है, हमें राम की मर्यादा पे भी तो चलो, हमारा कहना सिर्फ ये है, सिर्फ उन्हें राजनीतिक भुनाओ मत, ठीक है, अगर राम के तो राम के आचरण को भी करो। जी, अरे यूपी को साथ पसंद है, आप ही को अब समझाना पड़ेगा अखिलेश जी को, आपके बगल में बैठे हुए हैं। जूही जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनावों के दौरान जब मैं गई तो अयोध्या में लोगों का ये कहना था कि अपने पैतृक गांव से तो फुर्सत ही नहीं है सरकार को, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को। अयोध्या की ऐसी अनदेखी की हुई है सर, एक सेकंड मैडम, अयोध्या की ऐसी अनदेखी की है कि अयोध्या आज भी लगता है जैसे पता नहीं किस युग में है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, घाटों पर गंदगी, ऐसा वहां पर आलम है कि लोग कहते हैं कि सरकार की तो इधर नजर ही नहीं है, सरकार जानबूझकर नजर रखती हुई दिखाई भी नहीं देना चाहती है क्योंकि उसका वोट बैंक कहीं और है। आपका जवाब अंजना जी, शायद आपकी किसी एक वोट बैंक से बात की आपने की होगी। वैसे राम तो हर गांव में है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे, पूरे भारतवर्ष में है, तो किसी के पैतृक गांव में भी है और अयोध्या में भी है। बाकी जो दीपावली की बात है तो हम लोगों को भी बुला लेते, क्योंकि ये दीपावली तो मन नहीं रही है, ये तो एक पर्यटन सर्किट का प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि सब भाजपा के सहयोगी करते हैं कि हम एक रिलीजियस सर्किट को प्रमोट कर रहे हैं, तो अन्य पार्टियों को भी बुला लेते, हम लोग भी दिए जला लेते, उत्तर प्रदेश में पर्यटन का प्रमोशन हो, बहुत अच्छा है। बाकी राम जी, जैसा कि फिर बीजेपी ने कहा, सभी के पूज्य हैं, उन्होंने एक आदर्श राजा और आदर्श जीवन मूल्य भी सेट किए, और वो 14 वर्ष के वनवास में भी किए, तो उनको भी भाजपा के सहयोगी माने, सत्य बोले, हर सबका साथ सबका विकास सचमुच सही करें। इसमें केवल हिंदू थोड़े ही थे जो राम मंदिर बनाना चाहते थे, जैसा आपने कहा अन्य धर्मों के भी लोग थे। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये जी अंजना जी, आपको बीच में रोक रही हूँ मैडम, क्योंकि ये तस्वीरें एक सेकंड आ रही है वहां की, जरा सरयू किनारे की तस्वीरें अब आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर भव्य आयोजन
की शुरुआत हो रही है। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि मूल्यों की बात यहाँ पर हो रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी में जो हमने परिवार के अंदर कलह आखिरी दिनों में देखा उन सब में घुसकर पूरे पूरा मुद्दा भटक जाएगा। मैं आपसे आलोक जी ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या धर्म और राजनीति किसी पार्टी ने ये नहीं किया इस देश में, हमेशा घालमेल का इस्तेमाल किया है ताकि उनको वोट मिले? बिल्कुल, क्या उसको अलग करना जरूरी है? देखिए अलग और तो क्या शायद ऐसी तस्वीर आपको बनती हुई दिखती है? क्योंकि याद रखिए भारत का स्वरूप भी आपको याद रखना होगा, वोटर की मानसिकता भी याद रखनी होगी आलोक जी, और ये समझना होगा कि पार्टियां ये क्यों करती हैं। दरअसल ये एक साइकिल है, ये देखिए ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार पिछले 3 दशकों से धर्म को राजनीति से और जोड़ दिया गया। पहले आजादी के बाद का एक माहौल था, उसके बाद उससे जोड़ा गया। मैं केवल आस्था की बात आ रही इसलिए एक मिनट रुका आपका। 1976 में मनोहर श्याम जोशी और अमृतलाल नागर जो साहित्यकार हैं, मेरे ख्याल स्वामी जी भी उनके नाम से परिचित होंगे, तब वहाँ खुदाई हो रही थी। तब विश्व हिंदू परिषद या भाजपा का एक नेता, मैं 6 पेज की स्टोरी लिखी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में, मनोहर श्याम जोशी को और हम लोगों को लेके गए थे नागर जी। आस्था उस तरह की होती है जो उसको पुरातत्व से उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ जोड़े। तब राजनीति नहीं थी, तब कोई भी भाजपा का कौवा भी वहाँ नहीं गया जिसको कहना चाहिए। और उसके बाद अब जो देख रहे हैं, जब से राहुल गांधी मतलब राजीव गांधी और अरुण नेहरू ने दरवाजे खोले, उसके बाद अयोध्या का ध्यान और केंद्रित हुआ, तब लगा कि कहीं कांग्रेस इसमें कर रही है। फिर नरसिंह राव जी की कोशिश थी कि अयोध्या का कुछ ऐसा रास्ता वो निकाल दें जिससे कि वो इतिहास में अमर पुरुष हो जाएं, बाबरी मस्जिद गिराने में उन्होंने मदद कर दी। तो ये राजनीति को जोड़ा गया कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, तब तो गोली भी चली थी एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उससे निकलना अब तो और मुश्किल दिख रहा है। लेकिन तस्वीर जो इस वक्त हम दिखाई दे रही है वो हम बताना चाहते हैं, स्वामी जी चाहेंगे आप इसके बारे में बताएं, सरयू का महत्व और कैसे रामायण में ये पूरा इस तट को आज क्या अयोध्या को शाम का इंतजार था, क्या अयोध्या आज के युग में इंतजार कर रही थी कि राजनीतिक रूप से ही सही जो सत्ताधारी पार्टी है सत्ता उसे इस तरह का महत्व दे ताकि धीरे धीरे उसका स्वरूप बदले। लेकिन स्वरूप बदले बिना कुछ भी नहीं बदलेगा स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए सर, एक सेकंड जरा वो बता दें अभिषेक कितनी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और कैसी तैयारी है, क्या दिख रहा है अभिषेक? देखिए अंजना, इस वक्त हम लोग अभी रामकथा पार्क में ही हैं और रामकथा पार्क में एक भव्य कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जहां पर मंच पर कुछ देर पहले भगवान राम सीता और लक्ष्मण लाए गए थे और अभी भी वो कार्यक्रम इस वक्त इस मंच पर चल रहा है। भाषण नेताओं का होगा, कई जो सरकारी कार्यक्रम है वो भी होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे और इसके बाद वो सरयू के तट पर जाएंगे और सरयू के तट पर वहां पर सरयू का पूजन होगा, महाआरती होगी और उसके बाद तकरीबन 7 बजे के आसपास ये जो दिवाली है जो दीपोत्सव है वो मनाया जाएगा। इस वक्त हम लोग रामकथा मैदान में ही हैं और वहाँ पर तमाम जो मंत्री और उनका भाषण हो रहा है, कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे और राज्यपाल भी बोलेंगे, यहाँ से जब निकलेंगे उसके बाद पूरा कार्यक्रम है। अंजना बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि जिसे अयोध्या को माना जाता है वहां पर कल